दुकान के बीच के साइड में। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये इलाका है गुलशन इकबाल का और यहाँ पर ब्रिज के साइडों में जो खाली ज़मीनें हैं उनके ऊपर काफ़ी खानाबदोश आबाद हो चुके थे, झोपड़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी, बनाई हुई थी, और यहाँ के जो एतराफ़ के रिहायशी थे उनकी शिकायत पर KMC एंटी इनक्रोचमेंट की टीम जो है इस वक्त इन झोपड़ियों को तोड़ रही है और यहाँ से खानाबदोश हो। आप ये देख सकते हैं पूरा ब्रिज के नीचे खानाबदोश मौजूद है, रक्षे भी खड़े हुए हैं उनके, और एक आबादी जो है वो मौजूद है यहाँ पर। इससे पहले भी हमने आपको कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने इसी तरीके की झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई थी, उधर भी एक ऑपरेशन किया गया था कि वहाँ ऑपरेशन के लिए की जानब से किया गया था और ज़मीन को खाली कराया गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही सूरत हाल कुछ है और यहाँ पर अच्छा खासे जो है झोपड़ियाँ वगैरह बनाई जा चुकी थी और यहाँ बाकायदा रिहाइश इख्तियार की हुई थी और उसके बाद यहाँ के रिहायशों की शिकायत पर जो है KMC एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हरकत में आई और इन तमाम झोपड़ियों को यहाँ से तोड़ने का अमल जारी है। अक्सर बेशतर आपने देखा होगा, पहले सबसे पहले हमने नाज़ाबाद ब्रिज के नीचे इस तरह के खानाबदोश और उनकी झोपड़ियाँ वगैरह देखी थी जिनको वहाँ से हटाया गया था। उसके बाद वो नागन चौरंगी ब्रिज के नीचे जो है वो नागन के ब्रिज के नीचे वहाँ पर आज आबाद हो गए थे और वहाँ पर 2-3 मरतबा इसी तरीके की कार्रवाई देखने में आई और उसके बाद दोबारा फिर वो अब आके बैठ जाते हैं वहाँ पर। तो यही सूरत हाल रहती है कराची में, तो हर जगह पर जिसकी जहाँ मर्जी है वो इस तरीके की इंक्रोचमेंट कर लेता है। इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम झोपड़ियों को गिरा दिया गया। और दूसरी तरफ जब हम यहाँ से निकलें आगे की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी हमने पुलिस की काफ़ी नफरी देखी, आवाम का रश देखा, तो हम रुक चुके हैं। तो यहाँ पर इस वक्त गैर कानूनी जो कुंडे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे इस वक्त पोल के ऊपर चढ़े हुए हैं और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और जिनमें गैर कानूनी कनेक्शन है उन तमाम गैर कानूनी कनेक्शनों को यहाँ से ख़त्म करने का अमल जारी है। ये आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर, ये स्कीम 33 का इलाका है गुलशन इकबाल, और यहाँ पर गैर कानूनी जो कुंडे हैं उनको हटाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और पुलिस की काफ़ी नफरी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। आवाम भी काफ़ी तादाद में जमा है और ये जितने गैर कानूनी कुंडे थे उन सबको काटा गया है। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर अपडेट थी, यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।